हाय गाइस, मैं आपका दोस्त आपके सामने आ गया हूं आज आपके साथ एक अपने AIR को लेकर। जी हां, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम गौतम, AIR 45 ऑफ CA इंटर नवंबर 22 एग्जाम्स। सो दोस्तों, स्टे ट्यून, अभी आप देखते जाइए। आज ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आपके सभी सवालों के छुपे हुए सीक्रेट्स जो गौतम ने अपनी स्ट्रैटेजी में यूज करे, गौतम ने अपनी पढ़ाई में यूज करे, जिससे वो ये इतना जबरदस्त टारगेट को अचीव कर पाया, सब आपके सामने रिवील होने वाले हैं। AIR 45 in itself is a very big number, और मैं बोलता हूं AIR लाना ही अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। तो congratulations once again to you and your family. Thank you sir. तो गौतम, सबसे पहले अपने बारे में कुछ एक दो लाइनें अगर आपके जितने दोस्त सुनना चाहते हैं उनको क्या बोलोगे? So hello guys, I am गौतम चौधरी, मुंबई से मुंबई का रहने वाला हूँ। So I have secured AIR 45 and भगवान की कृपा से काफी अच्छा लगा मुझे कि मैंने AIR secure किया। चलो ग्रेट। गौतम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो ना, जब आपको रिजल्ट पता चला, आपने रिजल्ट स्क्रीन पर देखा, एकदम से देखा आपका पास हो गया, सबसे पहले तो अपन सारे लोग सबसे पहले तो रिजल्ट ही देखते हैं। यस सर। राइट, आपने मार्क्स देखा, आपके पास हो गए, यू वर लाइक अच्छा है। तो उस टाइम पर आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? आपके साथ में कौन था? मम्मा पापा कौन था साथ में जो रिजल्ट देख रहे थे आप? यस सर, जब मेरा रिजल्ट आया तब मेरे मम्मी मेरे बाजू में थे, उन्होंने सबमिट बटन दबाया और फिर जैसे ही रिजल्ट आया 596 स्कोर देख के मैं उछल पड़ा और मम्मी भी फुल आशीर्वाद लिया मम्मी का, सब खुश हो गए। सब खुश हो गए, मतलब मम्मी को एकदम से लगा कि यार मतलब गौतम ने फर्स्ट टाइम ही हमारी पूरी फैमिली में मतलब एकदम तबाही मचा दी एक ही बार में पास करके। चलो ग्रेट। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड टाइम फिर आपको जब 593 आया तो उसके बाद आपने क्या मतलब सोचा कि चल यार एक बार मेरिट लिस्ट चेक करता हूँ, या थोड़ा सा मतलब था कि चलो देखता हूँ क्या है, कैसे कैसे पता चला रैंक का? नो सर, सबसे पहला मैं तो अपना स्कोर देखा 596 और जैसे ही देखा मैं बोला चलो पास हो गया। यस, फिर बाद में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोले कि ये तो तेरे को AIR आया, मैं तो मेरिट लिस्ट चेक ही नहीं किया था। अच्छा। यस, तो फिर मेरिट लिस्ट जाके चेक किया तो 45th रैंक आया, तो और सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब AIR अपने अंदर यार एक बहुत बड़ा रिमार्क है। अच्छा, मेरे को एक ईमानदारी से बात बताओ, आपकी फैमिली में कोई है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? नो सर, मैं अच्छा कोई भी नहीं है। तो मेरे को ये बताओ, आपके पेरेंट्स को पता है AIR की वैल्यू क्या होती है? मतलब देखो, पास होना तो इट्स फाइन, सबको हर पेरेंट्स को पता होता है यार हाँ हम पास हो गए, हमारा बच्चा पास हो गया, बट What is the value of that AIR? उसकी मतलब worth क्या होती है? You are among the top most 50 students pan India. पूरे इंडिया में से आप top 50 में हो. So उसकी value क्या उन्हें पता है? मतलब उन्हें पता थी या बाद में पता चली? No sir, उनको पता तो नहीं थी, लेकिन फिर मैं उनको समझाया कि top India level पे, all India level पे top आना, इसको इसको बोलते top 50 में। अच्छा, तो yes. उसके बाद उनका reaction कैसा था यार? मतलब गौतम has done this remarkable achievement. Yes sir, सब बहुत खुश हो गए। चलो वेरी गुड। तो यहां पर आप बच्चों देखो, एक ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये होता है, मैं हमेशा बोलता हूं योर फैमिली इज द मेन एलिमेंट। मतलब जैसे गौतम ने बोला है कि मम्मा ने मेरी सबमिट का बटन दबाया फॉर द रिजल्ट, तो सोचो कितना ज्यादा एक्साइटमेंट मम्मी को होगा, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा यार ये तो मेरा ही रिजल्ट आ रहा है और मैं ही अपना रिजल्ट चेक कर रही हूं। ऑल्दो उनके बच्चे ने, गौतम ने इतना बड़ा ट्रिमेंडस मार्क अचीव करा, बहुत बढ़िया गौतम। गौतम, अब हम कुछ स्ट्रैटेजी की बातें करते हैं। ये तो रही कि आपके रिजल्ट के दिन क्या हुआ था, आई नो वो एक्साइटमेंट और वो सब कुछ है, तो गौतम आपने सारी क्लासेस कहां से करी, आपने कब पढ़ाई शुरू करी थी, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए। हमारे जितने यहां पर जानने वाले दोस्त हैं ना जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको ये एक्साइटमेंट है कि यार वो ये कैसे कर सकते हैं। यस सर, तो सबसे पहले मैंने अपनी सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेस अनएकेडमी से की और फर्स्टली मैंने वार्म अप बैच से स्टार्ट किया जो जनवरी में हुआ था। ओके। यस, फिर एकाग्रता बैच से कंटिन्यू किया और फिर ग्रुप वन, फर्स्ट ग्रुप वन दिया, फिर ग्रुप वन स्टडी किया पूरा, फिर ग्रुप टू किया, फिर रिवाइज किया सब। ओके, तो पहले आपने वार्म अप से शुरू करा था। यस। जो जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, हम हमेशा बोलते हैं वार्म अप इज अ बैच जहां से आप
स्टार्ट अर्ली एंड अर्ली फिनिश सो दैट यू हैव एम्पल टाइम टू रिवाइज, ज्यादा टाइम मिलता है आपको रिविजन का. बहुत बढ़िया. तो आपने वार्म अप से शुरू करा, देन मेन बैच करा, देन ग्रुप टू करा एंड देन फाइनल. तो आपने रिविजन के लिए कितना टाइम अपने पास रखा था? सर मैंने रिविजन के लिए 2 months रखे थे. 2 complete months फॉर ऑल द 8 papers. Yes, sir. बहुत बढ़िया. देखो ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं सबको बोलूंगा. नॉर्मली क्या होता है, बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि यार मुझे ना कैसे करना है, बिकॉज लास्ट में जाके वो पैनिक मोड में आ जाता है, बोथ ग्रुप में स्पेशली. तो इसलिए स्टार्ट अर्ली फिनिश अर्ली सो दैट यू हैव एम्पल टाइम टू रिवाइज, दैट्स आवर सिंपल आंसर. बहुत बढ़िया गौतम. गौतम अब ये बताओ मुझे कि आपने जब अपनी पढ़ाई शुरू करी, 2 महीने जो रिविजन का टाइम था, उस टाइम पर आपका फोकस क्या था? मतलब व्हाट वाज योर शेड्यूल या प्लान कैसे कर रहा था आपने रिवीजन को? बिकॉज अब देखो आने वाले में मई वाला एग्जाम आने वाला है. तो मई वाले एग्जाम वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए आप रिवीजन या प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या आपने फॉलो करी जो वो भी फॉलो कर सके? यस सर. तो सबसे पहले मैंने 2 months का टाइम था टोटल, उसमें 8 subjects थे. तो मैंने डिवाइड कर दिया कि टैक्स को थोड़ा ज़्यादा देना है, फिर थोड़ा सा कॉस्टिंग को ईजी पड़ता था तो कॉस्टिंग को कम देना है. सो मैं ऐसा स्टार्ट करता था, पूरा वन पेपर और फुल कंप्लीट कर देता था. फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर ऐसा नेक्स्ट करते करते सब कंप्लीट किया रिवीजन. अच्छा. यस. ओके. आपने एक बार रिवीजन करी या मल्टीपल बार करी? सर मल्टीपल टाइम की. कितनी बार करी आपने 2 महीने में रिवीजन अगर मैं बात करूं? जैसे EIS का 2 to 3 times, ऑडिट का 2 to 3 times ऐसा, और लॉ में भी 4 times किया था लॉ में. अच्छा, लॉ 4 times करा था. चलो बहुत बढ़िया. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट आया, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स इज नेसेसरी, बिना उसके आपका टारगेट अचीव नहीं होता. यू हैव टू फोकस ऑन द रिवीजन पार्ट ईच एंड एवरी टाइम. बहुत बढ़िया. गौतम अब मैं ना आपकी कुछ पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो ये सारे बच्चे हैं ना जानना चाहते हैं. चलो गौतम ये बताओ, यार देखो हर एक की लाइफ में जब हम पढ़ाई करते हैं कहीं ना कहीं एट टाइम्स वी फील कि यार अब ना मुझसे नहीं हो रहा, मतलब आज यार मन नहीं कर रहा, आज मैं टारगेट नहीं अचीव कर पाऊंगा. तो एट दैट टाइम जो वो एक डीमोटिवेशन का स्टेज आता है, उस टाइम पर हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ? क्या आपके पहले तो वो जर्नी में आया तो आपने उसको कवर कैसे करा? यस सर, ऐसा मूवमेंट तो सब बच्चों के लाइफ में आता है. बट आई यूज टू टैकल इट बाय कि मेरे मॉम और डैड के रिजल्ट वाले दिन के कैसे चेहरे होंगे, कैसे वो खुश होंगे, वो देख के मैं वो इमेजिन करके वापस मोटिवेट हो जाता था. अच्छा, मतलब जो एक मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, मैं हमेशा बच्चों को अपनी क्लास में भी बोलता हूँ और कि भाई आपका ये जो आप मतलब बच्चे क्या करते हैं जनरली मैंने देखा है एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो वीडियोस देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, बट द रियल मोटिवेशन लाइज इन आपके घर पर, आपके पेरेंट्स, दैट इज द मेन थिंग. क्योंकि अल्टीमेटली उनकी खुशी है यार, उनके उन्होंने आपके लिए इतना कुछ करा. नाउ इट्स टाइम टू थोड़ा सा रीपे. आई नो वो रीपे नहीं हो सकता, बट फिर भी वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ स्मॉल बिट ऑफ इट. चलो अच्छा, एक तो ये हो गया. अच्छा थोड़ा और पर्सनल चलते हैं. गौतम क्या आपकी लाइफ में कोई और है जिससे आप बातें करते हो, इंटरेक्शन करते हो, कोई ऐसा? नो सर, कोई. अरे तू देख, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सब बच्चे गलत मतलब निकालते हैं. गौतम हाँ, अरे कोई दोस्त. अच्छा हाँ, कोई दोस्त जिससे आप बात करके. देखो होता क्या है, मेरे को ये पता है पर्सनली मैं अपनी बात करूं, हमारे पास से कई बार होता है ना, मतलब आज मन नहीं कर रहा यार, आज बड़ा डिमोटिवेटिंग लग रहा है, तो मेरे को पता है मैं इस पर्सन को कॉल करूंगा, मेरा मूड थोड़ा चीयर अप हो जाएगा और मैं गुड फील करूंगा, बेटर फील करूंगा. तो ऐसा आपकी लाइफ में कोई है? यस सर, ऐसा तो मेरा ब्रदर है राहुल. अच्छा आपका ब्रदर है, उससे ही कांटेक्ट, बस बाकी इतना कोई. मतलब आप अपने भाई, अब वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं? छोटे छोटे. अच्छा छोटे हैं, तो आप उनसे बात कर लेते हो, थोड़ी सी लड़ाई कर लेते हो, उसको पिन कर देते हो, मस्ती कर लेते हो और अपना रिलैक्स हो जाते हो एंड देन यू कैन वापस से पुट फॉरवर्ड टू योर स्टडीज. चलो बहुत बढ़िया. गौतम मुझे और थोड़ी सी बात बताओ, बच्चों की ना एक बड़ी प्रॉब्लम आती है स्पेशली रिलेटेड टू सोशल मीडिया, वो ये नहीं समझ पाते कि हम सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करें. सो हाउ यू आर मैनेजिंग द सोशल मीडिया पार्ट? यस सर, सो ऐसे जैसे सोशल मीडिया आजकल का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए, तो मैं क्या करता था, दिन में टाइम फिक्स कर देता था कि ये इतने से इतना टाइम ये सोशल मीडिया यूज़ करूँगा, उसके बाद नहीं. फिर उसके ओवर कभी यूज़ करता तो फिर मैं एक्स्ट्रा स्टडी करता था उसके. आओ ये देखो, ये बहुत अच्छी बात बताई, ये जनरली मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन है कि अगर मैंने सोशल मीडिया अपने डिजायर्ड टाइम से, जो मेरा फिक्स टाइम है, उससे ज्यादा करा तो उसका कॉम्पनसेट या उसकी पेनल्टी गौतम अपनी एक्स्ट्रा पढ़ाई करके करता था,
और यहाँ तो बच्चे उल्टा करते हैं, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोशल मीडिया हो जाए तो कहते हैं छोड़ यार कल पढ़ूंगा, है ना। अच्छा गौतम, ये एक ना नॉर्मली बच्चों के मन में रहता था यार कल से पक्का करूंगा, है ना। नॉर्मली बच्चा कहता है यार आज नहीं कल से पक्का करूंगा, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कल से करूंगा, जिसको हम प्रोकेस्टिनेशन बोलते हैं, कल करूंगा, अब कल से पक्का नहीं, आज शाम से करूंगा, कल फिर कभी आता नहीं है, तो आपने इस कल वाली प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करा? यस सर, मैं प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करता था या टैकल करता था बाय मेकिंग टू डू लिस्ट, कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कितना करना है, क्या करना है, उसका रिवीजन कैसे करना है, तो जिसके वजह से जो प्रोकास्टिनेशन जो मेरा ज़्यादा होता था अभी ठीक मतलब कंट्रोल में रहता था। कंट्रोल में रहता था, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं ना थोड़ा सा ना स्ट्रैटेजी वाइज बात करता हूँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, मतलब आप कैसे उसको मैनेज करते थे? सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करता था, और ज़्यादा कभी देखते ऐसा कि बच्चे अटक जाते कुछ क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चंस को मैं बात के लिए रखता था, मतलब जब माइंड फ्रेश होगा तब उसको वापस करता था सॉल्व। ओके, एंड थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? सर थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए मैं अपने खुद की बुक्स, वो क्या बोलते हैं, नोट्स बनाता था। अच्छा, सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स, तो वो सेल्फ नोट्स जो थे वो समराइज्ड होते थे या पूरे लॉन्ग वाले होते थे? सर समराइज्ड, समराइज, मतलब आपने जो भी पढ़ा जैसे भी पढ़ा जिन भी एजुकेटर से पढ़ा उसके बाद आप उनकी समरी अपने पास बना लेते थे ताकि आपको इजी हो जाए, अपने वर्ड्स में इजीली समझ में आ जाए, मल्टीपल रिवीजन। अच्छा मेरे को एक और चीज बताओ, जब आप अपना पेपर देकर आए, से फॉर एग्जांपल मैं थ्योरी पेपर की बात करता हूँ, चाहे वो लॉ का हो, EISSM हो, ऑडिट हो या कोई भी हो, इनफैक्ट कॉस्टिंग हो, FM हो, EFF हो, सब में ही थ्योरी पार्ट भी रहता है, तो मुझे ये बताओ ये जो थ्योरी पार्ट होता है इसमें आपने अपनी वर्ड्स में लिखा पेपर में, या आपने स्टडी मॉड्यूल के वर्ड्स यूज करे, या आपने स्टडी मॉड्यूल ही एज इट इज लिख कर आए, व्हाट वाज योर थिंग? मतलब बिकॉज पीपल आर जनरली कंफ्यूज, स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी अप्रोच है, सो आपका क्या इसमें था? यस सर, जो स्टडी मैट से पूरा लिख के आएगा वो तो रट के आया, वो तो right. लेकिन मैं रटता नहीं था। अच्छा। मैं क्या करता, कीवर्ड्स लेता था, कीवर्ड्स को मतलब कीवर्ड्स एग्जाम में लिखता था, उसको अपने खुद के सेंटेंस पे फ्रेम करते। चलो मतलब इम्पोर्टेंट इज, जैसे गौतम ने बोला कि वो अभी अपनी समराइज्ड नोट सेल्फ बनाता था जिससे वो कीवर्ड्स पे आइडेंटिफाई कर लिए हर टॉपिक में से, उसको कीवर्ड्स को वो दिमाग में रखता था एंड उसके बेस पर वो सेंटेंस फ्रेम अपनी लैंग्वेज में कर सकता था। एंड गौतम आपके मैं देख रहा हूँ मार्क्स ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग है, दैट्स व्हाई यू आर AIR 45 यार। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा फ्रेंड था, हम तीन फ्रेंड्स थे, तो जब रिजल्ट आया तो हम तीनों पास हो गए एक साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन मेरा बाद में पता चला मेरे साथ जो फ्रेंड था उसकी भी उस टाइम पर AIR 45 थी। अच्छा। एंड उसकी और मेरे मार्क्स में जस्ट 7 या 8 मार्क्स का डिफरेंस था, तो आई वॉज नॉट एबल टू सिक्योर AIR, बट मैं हमेशा बोलता हूँ You are in AIR, you are among top 50, that is the best part, that is the major thing. अच्छा गौतम थोड़ा सा और चलें, अगर मेरे को ये जानना हो कि यार मैं अगर आपके जूनियर्स जो आने वाले हैं, अब जो मई में एग्जाम देंगे या नेक्स्ट नवंबर में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आप कोई वैल्यूएबल सजेशन देना चाहोगे कि हाउ दे शुड डू कि वो भी इस टारगेट को अचीव कर सके, दे कैन बिकम ऑल्सो बिकम एन AIR? यस सर, तो मैं यही कहना चाहूँगा जूनियर्स को कि वो कंसिस्टेंटली पढ़े और जितना हो सके प्रोकास्टिनेशन अवॉइड करे, बैकलॉग को अवॉइड करे, और खुद के समरी नोट्स बनाए जिससे इसको रिवाइज करने में आसानी होती है, और कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करना। बहुत बढ़िया, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करना, भाई फल अपने आप मिल जाएगा बट आपको मेहनत करनी है। अच्छा गौतम मुझे एक और बात बताओ, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस एट अनअकैडमी? मतलब अनअकैडमी पर आपने जैसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, पूरी क्लासेस ली, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस ओवर हियर? मतलब आपको कैसा एक्चुअली में, हाउ डिड यू फील द एंटायर वे? यस सर, अनअकैडमी ने मुझे बहुत हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज उनके रिकॉर्डेड लेक्चर, उनके रिव्यूज़, फिर टेस्ट सीरीज, फिर MCQs, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होते थे। MCQs खास करके जो 30 मार्क्स के होते थे थियरी सब्जेक्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे। चलो बहुत बढ़िया। सो अब मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा गौतम, अचीविंग दिस टारगेट, क्या आपने पहले से मन में प्लान बना रखा था कि यार मैं डेफिनेटली AIR लाऊंगा, या मतलब होता है ना कई बार बच्चे यार ये तो हो गया, मतलब होता है ना कई बार, सो व्हाट वाज योर टेक? मतलब आप एक होता है प्री प्लान था मुझे ये करके दिखाना है यार, बिल्कुल मतलब ठोक बजा के करना है, और दूसरा होता है यार अच्छा चल देख लेंगे, सो व्हाट वाज योर टेक? सर मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था, प्लान करके रखा था कि AIR तो लाना है।
चलो दैट्स ग्रेट। सो आप जो सोचते हैं उस पे फोकस करिए, उस पे मेहनत करिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक इट पॉसिबल। सो ऑल राइट गाइज, हियर इट वॉज गौतम हु सिक्योर्ड AIR 45 एंड ही हैज डन एन अमेजिंग थिंग। आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन गौतम ऑन अचीविंग दिस रिमार्केबल थिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। होपिंग आप CA फाइनल में भी दोबारा रैंक ऑर्डर लाओगे तो बन के दिखाओगे। यस सर, देख लो आज गौतम प्रॉमिस कर रहा है ऑन स्क्रीन, गौतम इज गोइंग टू मेक इट इन द CA फाइनल ऑल्सो। सो दोस्तों ज्वाइन एन अकेडमी एंड लेट्स क्रैक इट।